हमारा खाना आ चुका है, ये है चिकन कोसा और ये है दाल फ्राई। अरे बाप रे। तो ये आ चुका है चावल अचार उसके साथ। तो यार दोस्तों अभी हमारा खाना आ चुका है, तो मैं आपको पहले खाना दिखाता हूँ। चेक करिए पहला चिकन, ये है चिकन कोसा। सो आप चेक करिए भाई, सब फ्रेश फ्रेश बना है, यहाँ पे स्टोर करके नहीं रखते। ये है ढाबा स्टाइल दाल फ्राई सैलड। सो वाओ, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है सैलड, बहुत ही ज्यादा सुंदर। पापड़ का सर तोड़ गया, इधर पास में आइए। चिकन ग्रेवी को डिप मर गया, थोड़ा सा टेस्ट करते हैं हम। इसका प्राइस वगैरह आप बताएंगे? चिकन मिल जाएगा आपको, दाल मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा, तो एक इंसान शांति से खा सकता है 100 रुपए में। सो हाय एवरीवन, दिस इज आवेश, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यस थैंक्स, अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ केसिंगा लाइन में, एक नया सा। पिछले बार मैं साहू ढाबा जा रहा था, तब मुझे दिखा था सिंह ढाबा, तो बेहतरीन लगा मुझे यहाँ पे। ऑल दो सब कुछ खत्म हो चुका है, बट आज हम खाएंगे चिकन कोसा, यहाँ का ऑथेंटिक खाना चिकन कोसा जो ढाबा स्टाइल बनता है। खटिया में बैठ के खाएंगे, पूरा फील आएगा, मजा आएगा पूरा। एंड उसके साथ हम खाएंगे दाल चावल या फिर रोटी कुछ भी। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो, हिट दैट लाइक बटन अगेन। अभी हम जाते हैं सीधा अंदर। तो हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये है सिंह बिहारी ढाबा। यहाँ पे यहाँ के ओनर लगे बहुत ही ज्यादा वेलकमिंग, यहाँ का खाना टेस्ट करेंगे कैसा है बताएंगे आपको। एंड ये तो ये है केसिंगा जाने का रास्ता, और उसके सीधा है मतलब ये भवानीपटना मतलब जाने का रास्ता, ये किसी का जाने का रास्ता है। और इधर आओगे तो आप देखिएगा कोकोमुंडा चौक में सिंह बिहारी ढाबा, मोबाइल नंबर दिया गया है, ये है ढाबा। हम एंटर करने जा रहे हैं ढाबा को। अभी हम खाली टाइम में आए हैं, पूरा ऑड टाइम में 3:30-4 बजे, तो पूरा ढाबा अभी खाली है। अभी खाना वगैरह बन रहा है, सब कुछ लंच खत्म हो चुका है, डिनर के प्रिपरेशन चल रहा है। एंड ये देखिए काफी अच्छा माहौल है, मैं खाऊंगा खटिया में बैठ के वो जो ढाबा वाला फील एंजॉय करके। सो हम अभी, हमारे लिए क्या बन रहा है अंकल जी? चिकन कसा। हमारे लिए बन रहा है चिकन कसा, तो स्पेशल चिकन कसा। हमारा खाना आ चुका है, ये है चिकन कोसा और ये है दाल फ्राई। अरे बाप रे। और ये चावल आ गया, बेहतरीन दिख रहा है। तो ये आ चुका है चावल अचार उसके साथ, वाह बेहतरीन। ये बोलते हैं खाना, ऐसे बोलता है खाना। ये देखो सिंह ढाबा, बट हम बैठ के खा रहे हैं बाहर ताकि थोड़ा मजा आया है, जो ढाबा वाला फीलिंग आ सके। सो यार दोस्तों अभी हमारा खाना आ चुका है, तो मैं आपको पहले खाना दिखाता हूँ। एंड ढाबा में आ गया हूँ, यहाँ पे अच्छा खासा बैठने का एरिया है, मस्त टेबल में बैठ के चेयर में बैठ खा सकते हो। लेकिन गाइस जो फील है ढाबा का, यहाँ पे स्पेशली है, यहाँ पे रात में लोग खाते हैं ऐसे खटे में बैठ के, जो मजा आता है, तो वो फीलिंग चेक करिए। पास में आइए, ये चेक करिए पहला चिकन, ये है चिकन कोसा। सो आप चेक करिए भाई साहब, फ्रेश फ्रेश बना है, यहाँ पे स्टोर करके नहीं रखते, फ्रेश चिकन बना है भाई साहब। हाँ ये जो पीस चेक करिए आप, बहुत ज्यादा गर्म है। उसके पास में आइए, ये है ढाबा स्टाइल दाल फ्राई, बहुत बेहतरीन दिख रहा है। इसमें ग्रीन चिली है, टोमेटो के पीसेस हैं, एंड बहुत अच्छे से फ्राई करा गया है। एंड उसके साथ है यहाँ पे सैलड। सो वाओ, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है सैलड, बहुत ही ज्यादा सुंदर। उस पे चाट में सब मसाला वगैरह छिड़का गया है। पापड़ का सर तोड़ गया, इधर पास में आइए। चिकन ग्रेवी को डिप मर गया, थोड़ा सा टेस्ट करते हैं हम। भाई साहब जो चिकन जितना बेहतरीन हो रखा है, तो चलिए हम पहले टेस्ट करते हैं। देखिए दो, सो हमने एक पीस ले लिया है चिकन का, खटे में गिर गया, थोड़ा माफ कर देना ठीक है। ये देखिए पास में आइए, ये गाइस चिकन का पीस फ्रेश फ्रेश बना है, बहुत ही ज्यादा गर्म है। अब चेक करिए चिकन का क्वालिटी, चेक करिए टच करने से टूट रहा है, कितना बेहतरीन टेंडर होके है चिकन। उसके साथ राइस, और पास में आइए। आई स्वेयर गाइस, जो चिकन का टेस्ट है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, अभी दाल फ्राई के साथ। पास में आइए, आए हाय हाय, बेहतरीन दाल फ्राई, बेहतरीन। इसको उठा के पास में आइए। अरे बाप रे, जो दाल का अरोमा है गाइस,
दाल का अरोमा अमेजिंग है गाइज। जो चिकन जो टेंडरनेस है, फिर से आपको दिखाता हूँ, पास में आइए। ये दाल और चावल का हमने अच्छा सा बाइट बनाया, बहुत ही ज्यादा गर्म है गाइज। दाल मतलब पूरा, मतलब वो जो सॉफ्ट नहीं होता क्या दाल, मतलब इतना बेहतरीन तरीके से पका है, पूरा मुंह में घुल जा रहा है। एंड अभी चिकन देखिए, पास में आइए, पास में आइए, देखो चिकन का टेंडरनेस चेक करो, पूरा सॉफ्ट है। अभी और एक पीस दिखाता हूँ आपको। चलो हमने ले लिया ये बड़ा वाला पीस, ठीक है, ये बड़ा वाला पीस, पास में आइए, दिखाइए आप बड़ा वाला पीस, तो गाइस दिख रहा है बड़ा। और चिकन देखिए आप, अरे बाप रे, क्या भाई बोलो सुधा भाजी, हाँ क्या कंसिस्टेंसी है भाई साहब, आप चेक करो। ओहो हो, ये सब कितना सारा चिकन। अब चिकन को ब्रेक करते हैं, पास में आइए, पास में आइए, हाय 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 हाय, ओहो बेहतरीन तरीके से टूट रहा है चिकन। सो ये है चिकन कोसा, जो टेस्ट है ऑन पॉइंट है, मसाले वगैरह ऑन पॉइंट है, ढाबा स्टाइल में चिकन करी, ये ढाबा स्टाइल में चिकन कोसा, बेहतरीन गाइस। इसका प्राइस वगैरह आप बताएंगे? केवल कासा का, हाँ कोसा का 120 रुपया। और हम हमारे यहाँ, मतलब आपके यहाँ कैसे मिलता है चिकन, थाली वगैरह मिलता है, मील्स वगैरह मिलता है, कैसा सिस्टम होता है? मील्स थाली मिलता है, हाँ। चिकन थाली कितना रुपए? 100 रुपए में चिकन थाली, मतलब आप इधर दिखाइए, चिकन मिल जाएगा आपको, दाल मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा, तो एक इंसान शांति से खा सकता है 100 रुपए में, इतना अच्छा खाना। और अगर आप कोई फ्राई वगैरह करवाना चाहते हैं तो चिकन कोसा 120 रुपया एक्स्ट्रा। और ये है सलाद, इसका कितना रुपए देंगे? उसका 60 रुपया। और पापड़ है या फिर दाल फ्राई, दाल फ्राई कितना है? 40। दाल फ्राई है 40 रुपया, तो बेहतरीन है गाइस। तो मैं तो अब पहले अपना खाना आपको अच्छे से दिखाता हूँ और एक बार क्या क्या बना है, कैसे कैसे बना है। एंड या इसका लोकेशन है, लोकेशन कौन सा है? इसका लोकेशन इधर देखिए आप लोग, इसका लोकेशन है कोकोमुड़ा, किसिंगा जाने के रास्ता में भवानीपटना से सीधा। तो बेहतरीन गाइस, मैं लास्ट टाइम देखा था, मैं मेरा मर्जी था कि मैं इधर आऊं खाना टेस्ट करूं, ऑल्दो काफी देर में आया, मैं 3:30 तरफ आया, फिर भी बना के दिए। लेकिन आप लोग ऐसा मत करना, आप लोग जल्दी आना ताकि आपको अच्छा खाना जल्दी मिले। तो हाँ दोस्तों, फिर से मैं अपना खाना एंजॉय करता हूँ एंड आपको फिर से दिखा रहा हूँ, रुकिए। ये देखिए आप सब पापड़ है, इधर देखिए ये पापड़ है, ये है दाल फ्राई है, ढाबा स्टाइल दाल पर दाल फ्राई, चेक कीजिए गाइस क्या मस्त दानेदार, मतलब चेक करो, बहुत ही अच्छे से पका है। एंड ये है चिकन, इसका ग्रेवी देखो, पास में आइए, पास में पूरा पास में आइए, चिकन का ग्रेवी चेक करो, चिकन पीसेस चेक करो, हाँ भाई साहब क्या पीस है। और ये दाल फ्राई, ये सैलेड, ये मैं आपको दिखाना भूल गया हूँ, ये सैलेड मेरा फेवरेट है, ये जो चाट मसाला है बहुत ही मस्त लग रहा है इसके साथ। तो अपना मैं खाना एंजॉय करता हूँ और कुछ देर बाद आप लोगों से मिलता हूँ। इस देसी मुर्गा कितना मस्त लग रहा है, देसी भी होता है क्या इधर? अच्छा देसी मुर्गा भी होता है गाइस। तो या आप चेक करिए मेरा प्लेट, मेरा आज तक का सबसे बेहतरीन ढाबा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो फ्रेश चीज मिल रहा है भाई साहब, ये चेक करिए, आपको ये ढाबा सीरीज बहुत ही अच्छा लग रहा है पता है मुझे। सो हाँ दोस्तों, मैं ये जो स्मूदनेस बोल रहा दाल का, वो घी में फ्राई किया गया है, इसलिए इतना बेहतरीन है। मतलब चिकन भी घी में, वाओ गाइस, ये चिकन बना है घी में और ये भाई कमाल है, कमाल दाल फ्राई एक नंबर। मैं तो अगली बार भी आऊंगा तो इधर ही खाऊंगा, पूरा शांति। 40 रुपए में दाल फ्राई घी वाला, सो मुझे बहुत अच्छा लगा, चिकन एक नंबर है भाई। फिर से देखिए चिकन एंड दाल फ्राई के साथ अच्छा बाइट बना के फिर, वाह टेस्ट कैसा है? A1 है ना, मस्त लग रहा है। चिकन कोसा ज्यादा अच्छा लगा कि दाल फ्राई? दोनों में दाल नहीं खाता लेकिन फर्स्ट टाइम आज दाल। हाँ वही दाल, चेक करो भाई दाल जो बेहतरीन है, आय हाय मजा आ गया। ये देखो टोमेटो का पीसेस, कोई कंजूसी नहीं, बेहतरीन घी में फ्राई किया गया दाल फ्राई घी में, खटिया में बैठ के क्या फील है भाई। मैं ज्यादा ये सैलेड वगैरह नहीं खाता बट आज मजा आ रहा है इसलिए। ओहो हो, चावल दाल सैलेड और फिर ये चिकन,
देसी घी वाला खाना कमाल है। और एक पीस देसी घी वाला, हाय हाय हाय, देसी घी इसलिए मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा था क्योंकि यहाँ पे देसी घी चल रहा है। ये देखो रोड, उधर पेट्रोल पंप है एंड इधर बैठ के मस्त मैं खा रहा हूँ। मुझे पहले पता नहीं चलता कि ये देसी घी में बना है, कुछ अलग टेस्ट था, स्मूथ था, काफी कमाल का टेस्ट था, बट पता नहीं चला कि देसी घी में बना है। मुझे लगा बटर वटर यूज किया है, अमूल बटर, बट देसी घी। तो भाई साहब दाल फ्राई तो खत्म हो गया, अभी ये दाल फ्राई बचा है एंड चिकन चेक करो, चिकन आपको दिखा रहा हूँ भाई साहब, चिकन देसी घी वाला चिकन का कमाल ही है। आय हाय हाय, ओ वाओ, क्या स्मूथ, क्या टेस्ट, आय हाय, एक नंबर भाई साहब। बाकी कहीं जगह कौन सा भी खाना मिल जाए बट असली ढाबा इसको ही बोला जाता है, रियल ढाबा का खाना। ये जो देख रहे हो देसी घी वाला दाल फ्राई वाला दाल और उसके साथ चिकन देसी घी वाला सैलड, कमाल का खाना, पापड़। सो ये है प्रॉपर ढाबा। हाँ मजा आ गया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। आप लोग आओ मेरे जैसा ही, आप लोग खट्टे में बैठ खाना, मतलब धूप में मत खाना, ऐसे थोड़ा छाव हो जाए तभी खाना। सो प्योर टेस्ट। सो इंडीड गाइज द फूड वॉज ग्रेट एंड स्पेशल रिकमेंडेशन है ये वाला मेरा, क्योंकि यहाँ पे खाना देसी घी में बनाते हैं, देसी घी में सर्व किया आज मुझे, तो बेहतरीन टेस्ट लगा जो दाल फ्राई स्पेशल वाला देसी घी। एंड हमारा बिल हुआ 440, सो इट इज क्वाइट पॉकेट फ्रेंडली। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड या गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो या मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज हैं, बेहतरीन वीडियोज, मतलब फूड एंड ट्रैवल का, गोवा देख लो, दिल्ली देख लो, पंजाब देख लो, कोलकाता देख लो, भुवनेश्वर देख लो, मतलब प्लेंटी ऑफ वीडियोज हैं ढेर सारे। सो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। जय हिंद जय उड़ीसा। हमारा भवानीपटना से केसिंगा जाने का रास्ता एंड उसके पास है ये सिंह बिहारी के सिंह ढाबा, एंड देख सकते हो यह बोर्ड लगा है उधर, एंड यह है ढाबा, बेहतरीन।